हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में मैं लुबना आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है ड्राई फ्रूट चिक्की, जो खाने में बड़ी ही टेस्टी होती है और झट से बन जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। नई नई रेसिपीज के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लुबनास किचन को और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। एक कटोरी मिक्स ड्राई फ्रूट है, जिसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है और मैंने इसे कट कर लिया है। एक कटोरी गुड़ है कि जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। जितना हमारा ड्राई फ्रूट होगा उतना ही गुड़ लेना है। अगर आपके यहाँ मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम गुड़ ले सकते हैं। एक टेबलस्पून नारियल का बुरादा है, सूखे नारियल का। एक टेबलस्पून अखरोट है कटे हुए। एक टीस्पून देसी घी है और एक टीस्पून खसखस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिक्की। एक पैन लेंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ पिस्ता, बादाम और काजू डाल देंगे और इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हमने इसे रोस्ट किया है, ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम घी या तेल जो है उससे इसको ग्रीस कर देंगे। मैं यहाँ घी ले रही हूँ, मैंने इसे घी से ग्रीस किया है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। कटोरी लेंगे इस तरह की और इसके तले में भी घी लगा लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। मैंने यहाँ पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मोटे तले वाले बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे मेल्ट होने देंगे। लगातार मिलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ जो है वो चिपक ना जाए। गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, इसे अच्छे से इस तरह लगातार हिलाते रहना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब, ज्यादा नहीं डालना है। गुड़ का कलर देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन का करना है और इसे हम अच्छे से लगातार हिलाएंगे। गुड़ गोल्डन ब्राउन का हो चुका है। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू, बादाम और पिस्ता, नारियल का बुरादा, कटे हुए अखरोट, खसखस। अब इसे जल्दी से मिक्स करना है। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे जल्दी से हम ग्रीस की हुई प्लेट में डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से देखिए कटोरी समय फैलाना है। काफी गर्म होती है, संभल कर करना है। देखिए हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। चाकू से कट मार्क कर देंगे और ठंडा होने पर इसे बाहर निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है इसीलिए अभी इसके पीसेस नहीं निकालने हैं, इसे ठंडा होने देना है। चिक्की के पीसेस हमने कर लिए हैं, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी चिक्की कैसी बनी है। देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी चिक्की। तो लीजिए तैयार है हमारी मिक्स ड्राई फ्रूट की चिक्की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।